अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का पहला जुमा सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आलू की चिप्स के लिए इसमें बेसन के साथ है 1 चम्मच राइस फ्लावर और आलू की चिप्स का मसाला। इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको साइड पर रख दें। बेसन का जो खमीर है वो अच्छा सा बन जाए। इसको मिक्स करना ऐसे बहुत ज़रूरी है। जुमे का दिन बहुत ही बरकतों वाला है। पता नहीं इस रमज़ान में 4 जुमे बनते हैं या 3 बनते हैं। एक एक लम्हा बहुत कीमती है। सदका करना, अपनी ज़कात निकालना और अल्लाह की राह में देना अपने रिश्तेदारों को, स्पेशली हमारी जो फैमिली है उसके लुक आफ्टर करना, ये बहुत ज़्यादा अफजल है। अगर तो टाइम है, आपकी कोई ऐसी जॉब या एक्टिविटीज़ नहीं है, तो फिर इंसान अपनी पूरी कोशिश करे कि जुमे वाले दिन कोई काम ना करे। मुकम्मल जो अपना माइंड है वो सिर्फ रोज़े को दिया जा सके। बेसन में मैंने थोड़ी सी रेड क्रश चिली ऐड की है। रोज़े का एहतराम जिसमें झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है और बिला वजह की बात नहीं करनी, वही जो हमारा टाइम है अस्तगफार। क्योंकि इस टाइम में जो बरकत है और जो हम पढ़ते हैं उसका अजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। औरत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, उसने पूरे घर को मैनेज करना है, अपने हस्बैंड को, बच्चों को और फिर ख़ुद भी पढ़ाई करनी है। तो जितना हो सके उतना आसान काम करें। सब चीज़ों से ज़्यादा आप ये देखें कि जुम्मे का दिन कितना अफजल है। ऐसी रेसिपी बना लें जिनमें टाइम कम लगे। बैंगन के पकौड़े बहुत ही पसंद किए जाते हैं और इसको बहुत देर पहले फ्राई नहीं करना चाहिए। पकौड़ों को कुछ टाइम पहले ही फ्राई करें, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। हम बाहर रहकर पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। रमज़ान में, ईद में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद करते हैं, स्पेशली फैमिली के साथ मिलकर अफ्तारी करना, अम्मी अबू का हमारे लिए अफ्तारी बनाना, जब वो हमारा रोज़ा रखवाते थे, सब बहन भाइयों को ऐसे इकट्ठे होना और अफ्तारी में एक दूसरे के घर जाना, सब बहुत ज़्यादा याद आता है। बहुत प्यार से मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और साथ में मैं आपको जैसे गिफ्ट दे रही हूँ, जिसका भी पाकिस्तान से पहला कमेंट होगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो हमारी तरफ से अपनी फैमिली के साथ इफ्तार कर सकें। इसमें मेरी नियत सिर्फ़ और सिर्फ तोहफे की है। इस नियत से नहीं है कि ज़कात या सदका। अल्लाह की राह में कुछ चीज़ें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, ये पहली बार मैं वीडियो में शेयर कर रही हूँ और अगर किसी का दिल चाहे वो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पेशली जिनको काफ़ी डिप्रेशन है और उनके पास पैसा भी है और सुकून भी नहीं है और वो चाहते हैं कि वहाँ दिया जाए, बस किसी को पता ना चले, और देते भी हम ऐसे हैं, मतलब आप वहाँ भी दें, फैमिली को भी दें, अगर आपके हैं कि फैमिली आपकी तरफ से कर सकती है, आप उनको ज़रूर दें। मैं उनके लिए कह रही हूँ, अगर कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। इंसान जितना भी करे वो बहुत ज़्यादा कम है। पार्टिसिपेट के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। मैंने पहली बार ये वीडियो में शेयर किया है इस रमज़ान में और हम रमज़ान में हर फ्राइडे को, जिसका भी पाकिस्तान से पहला कमेंट है, 5000 दे रहे हैं सिर्फ एक अफ्तारी की नियत से। वो और उनकी फैमिली करें, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? रमज़ान की सबको बहुत मुबारक हो। ये मैं अपनी अम्मी के लिए शॉपिंग करके लेके आई हूँ रमज़ान की, तो अम्मी भी मेरे साथ ही हैं। मेहंदी लगा रही थी अम्मी अपने बालों पे, तो मैं उनको ज़बरदस्ती ले आई हूँ इधर। मेरी बेटी ने कहती मेहंदी फेर लगाई पहला आके, मुबारक, अल्लाह तुहानू खुश रखे, रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हर किसी को खुशियां नाल मुबारक है। महीना आता किस्मत नाल आता, जो इंसान किस्मत वाला उन्होंने ये महीना आता, खुश किस्मत हो तुसी, अल्लाह ताला ने तुहानू ये महीना दिखाया। पंजाबी चाहते हैं वापस? हाँ। मैं जग लेके आई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया जग। अम्मी खोल के दिखाओ ना। ये मैंने लिया है फैसलाबाद से 1050 का। ये सेपरेट मिलता है, इसके ग्लास भी सेपरेट और जग भी सेपरेट। ये बास्केट है, ये सेट है 2 का। रोजाना का सामान है सारा, हम मैं शुरू करने खाने बनाने। हाँ जी, फिर ऐसे ही तुम दिखाया करेंगे। ये केकरस और ये हैं
गार्लिक केक रस। आ समान मेरी बेटी ने अल्लाह दी राह ते कढ़िया, अल्लाह ताला उन्हें अगले साल इस तो भी ज़्यादा तफीक दवे कढ़न दी, गरीबां नूं देना बेचारे जिहड़े अगले लै भी नहीं सकते कुछ। असीं तां हर चीज़ खाने बेचारे देखते रहते हैं, असीं भी साढ़े कोल असीं भी खाइए। कोशिश करो तुसीं भी यह दवो गरीबां नूं लैके, इस तरह आ सारा समान पिया मतलब आयला रूफजा चावल ने नमक टैंक हल्दी खजूर मिर्चा ने फिर माचसा स्परिंग चाह डब्बे पत्ती दे लैमन मिक्स दालां वगैरह साबन नहाने वाला या बेसन है चीनी है मतलब जो भी किचन का समान आ सारा देना चाहिए जो असं इस्तेमाल करते हैं वो दवो। देखो कि हकदार ने कि लोग गरीब ने बेचारे उन्होंने देना चाहिए। मैं बहुत खुश हाँ मेरी बेटी ने समान है कि कढ़िया, अल्लाह उन्होंने अगले साल इस तो भी ज़्यादा तफीक दवे, बहुत गरीबा दया करे। बस तुम भी दुआ करो मेरी बेटी वास्ते, गरीबा का ख्याल रखना चाहिए बेचारे, देखना चाहिए उन्होंने वाल देखते हैं। असं जाके कई झोंपड़ियाँ बेचारे ऐसे बैठे ने कि रोटी वालों भी तरसते हैं, इस करके देना चाहिए उन्होंने। तो ये सब डोनेशन है अल्लाह ताला की राह में, बच्चों के लिए अम्मी ने टॉफियाँ ऐड की हैं, बच्चों की दुआ अल्लाह ताला ज़्यादा सुनते हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कबूल करे और हमें अल्लाह ताला उन लोगों से मिला जो सही इसके हकदार हों। हाँ जी, तो ये अब हम पैकेट बना रहे हैं, हर पैकेट में एक एक चीज़ ऐड करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जो विनर हैं वो हमारे फेसबुक पेज, ईमेल या मेरी सिस्टर जो हैं जिनका चैनल है युसरा बुटीक ड्रेसेस का काम है, आजकल ओवरलोड भी है, ईद का सारा ऑर्डर डिफरेंट कंट्री में भिजवाना होता है, पाकिस्तान में भी, और कुछ लोगों ने शादियों के लिए जैसे रेडी करवाने हैं तो ये, और मेरी जो दूसरी सिस्टर हैं वो पेमेंट अरेंज करवा देंगी। आप प्लीज़ हमें ज़रूर कंफर्म कीजिए कि आपको पेमेंट मिल गई है व्हाट्सएप या अकाउंट में, जिस तरह आपको आसानी हो। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।